नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठी चल रही है। मंगलवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यहां शिक्षक अभ्यर्थी सुबह से बिहार सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से सातवें चरण की बहाली विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटेट और बीटेट पास करने के चार साल बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। वे अभी भी प्राइमरी टीचर के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं।